अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि हर जगह डर और खौफ का माहौल है, चारों तरफ जश्न का माहौल है, या चारों तरफ बदउनवानी का माहौल है। इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम बोलते हैं हर जगह किसी चीज़ का माहौल है या चारों तरफ किसी चीज़ का माहौल है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आएगा इट इज़ द एम्बियंस ऑफ। एम्बियंस ऑफ का मतलब होता है माहौल होना, तो इट इज़ द एम्बियंस ऑफ यानी इसका माहौल है किस चीज़ का, फिर वो आ जाएगा नाउन, यानी जिस चीज़ का भी माहौल है वो नाउन आ जाएगा। देन उसके बाद एवरीवेयर, चारों तरफ या तो हर जगह, एक ही मीनिंग देता है यानी चारों तरफ यानी हर जगह, ठीक है। तो सेंस यही निकलता है हमारा, हम वहाँ पे हम लगाएंगे एवरीवेयर, चारों तरफ के लिए भी और हर जगह के लिए भी। तो सेंटेंस बनेगा हर जगह खुशी का माहौल है, हर जगह खुशी का माहौल है तो बनेगा इट इज़ द एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि खुशी हैप्पीनेस बोलते हैं, तो यहाँ पर नाउन की जगह हैप्पीनेस आ गया और बाकी देखें सेम वही रहा, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस एवरीवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ हर जगह डर और खौफ का माहौल है, हर जगह डर और खौफ का माहौल, डर और खौफ को हम बोलेंगे फियर एंड ड्रेड। तो फेयर एंड ड्रेड जो है एज नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और एज वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे एज नाउन यूज़ हो रहे हैं ये। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फेयर एंड ड्रेड एवरीवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, चारों तरफ जहालत का माहौल है, चारों तरफ जहालत का माहौल है तो बनेगा इट इज़ द एम्बियंस ऑफ इग्नोरेंस एवरीवेयर, या ऑल अराउंड का यूज़ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर चारों तरफ का सेंस लगा रहे हैं तो। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ इग्नोरेंस एवरीवेयर या ऑल अराउंड, एवरीवेयर भी बिल्कुल सेम मीनिंग देगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज हर जगह जश्न का माहौल है, हर जगह जश्न का माहौल है, जश्न मतलब सेलिब्रेशन, तो हम बोलेंगे इट इज़ द एम्बियंस ऑफ सेलिब्रेशन एवरीवेयर, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ सेलिब्रेशन एवरीवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज चारों तरफ खून खराबे का माहौल है, चारों तरफ खून खराबे का माहौल है तो बनेगा इट इज़ द एम्बियंस ऑफ ब्लड शेड एवरीवेयर, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ ब्लड शेड एवरीवेयर, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, हर जगह धोखेबाजी का माहौल है, हर जगह धोखेबाजी का माहौल है तो बन जाएगा इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फ्रॉड एवरीवेयर, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फ्रॉड एवरीवेयर। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, चारों तरफ बदउनवानी का माहौल है, चारों तरफ बदउनवानी का माहौल है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। सो जाते जाते मैं आपको बताती चलूँ, हमारी दो PDF बुक्स हैं, एक है स्ट्रक्चर बुक जो कि 250 की है, जबकि एक वोकेबलरी बुक है जो कि है 300 की। दोनों ही PDF बुक हैं, आपको WhatsApp पर सेंड की जाएंगी जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे। कोई एक बाय करना चाहते हैं या दोनों ही बाय करना चाहते हैं, इस नंबर पर मुझे WhatsApp कीजिएगा। और हमारे स्पोकन क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी मालूमात हमसे ले सकते हैं। स्पोकन क्लब में ये होता है कि आपको एक पार्टनर प्रोवाइड कर दिया जाता है स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप देखें YouTube पे बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इंग्लिश बोलने का यानी कि आप जो है उसके आप प्रैक्टिकली उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप स्पोकन क्लब में आके आप आराम से पूरा एक घंटा होता है उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, आपको टॉपिक प्रोवाइड कर दिया जाता है, उस पर आपको अपने पार्टनर के साथ जो है बातचीत करनी होती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। सो ऐसे माहौल बन जाता है, एनवायरनमेंट बन जाता है इंग्लिश स्पीकिंग का, आपको इंग्लिश बोलनी होती है और आप इंग्लिश सामने वाले से सुन रहे होते हैं। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे WhatsApp कीजिएगा। थैंक यू सो मच।